ये याद रखना, मस्जिद में आओ, फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, घर में नवाफल पढ़ोगे उसमें खैर होगी, बरकत होगी, नया घर बनता है। सहाबी नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म दुरूद नहीं करवाते थे, खाने 10 पकवाते नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुलवाते थे बरकत के लिए, फिर पूछते थे या रसूल अल्लाह हम नमाज कहाँ पढ़ा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم। हम तो सबसे पहले टीवी लॉन्च बनाते हैं, टीवी लगाते हैं, हाँ जी सेल्फी साहब जो ज़्यादा नवा कार लेता है तबाही मच गई है, बीमारियां ही बीमारियां पै गई हैं, हाँ जी ऐसा ही है ना, बच्चों के कपड़े फटने शुरू हो गए, वट्टे आने शुरू हो गए, हाँ जी आग लगती पई है बगैर किसी वजह तो, नवा घर लेता जी बनाया जी, तुमने क्या किया वहाँ पर, आए आकर अल्लाह के नबी, कुरान कहता है कुरान, जब किसी जब घरों में जाया करो क्या करा करो, दस्तखत दिया करो, हाँ जी यही है ना, फिर अगर किसी के घर में जाओ तो 3 बार दो दस्तखत, अगर जवाब ना पाओ तो वापस आ जाओ, अगर कोई यहाँ तक तुम्हें कह दे पहले सलाम अलैकुम कहो, यहाँ तक अगर कह दे कि हमने आपसे नहीं मिलना हमारे पास टाइम नहीं है तो बुरा मनाए बगैर वापस चले जाओ, इसमें तुम्हारे लिए बेहतर है अल्लाह जानता है। ये कुरान की आयत है, सूरह नूर में पढ़ लेना, 24 नंबर सूरह है, इसमें पढ़ लेना, इसमें किसी के घर में जाओ जाकर सलाम करो, कोई पाओ या ना पाओ या अपने घरों में आओ, इससे खैर होती है, इससे बरकत होती है, जिन घरों में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती वो जाएँ ये अमल करना शुरू करें, हाँ जाएँ जाकर कोई भी हो या ना हो। अब मैं जाकर कहता हूँ मेरी बीवी ने मैंने सलाम करना सीखा, नौकरानी आई है दरवाज़ा खोलने से मैंने उसको सलाम करना चाहिए, मुझे अल्लाह कह रहा है जब तुम जाओ अपने घर या किसी के घर में तो क्या करो, मुझे कहा ना, जाने वाले को कहा ना, चाहे वो बादशाह है चाहे वो गदा है, हाँ जी उसको बोला कि वो सलाम, किसी को पाओ या ना पाओ, ये बातें थी उम्मत को समझाने के लिए, हमने किसी और लाइन में लगा दिया, हमने इनको लगा दिया फिरका वारियत में, क्योंकि इन बातों से दुकानें नहीं चलती, उससे दुकान चलती है, तो अल्लाह ताला महफूज रखे, ये बातें सीखने वाली हैं, बच्चों के सिखाने वाली, इन इन खबीसों शयातीन की जिन्नों की क्या जरूरत थी, ये तो मोमन के जूते की आवाज़ से भाग जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में क्या फरमाया, सहाबी आके अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है कि एक बहुत ज़बरदस्त पहलवान है बड़ी ताकत वाला, तो ये नहीं पता कि मेरा कौन सा साथी उसके मुकाबले पे है, है वो बड़ी जान वाला वो जो पहलवान है लेकिन उसकी टांगें सूखी हुई हैं, कमज़ोर टांगें हैं लेकिन जुस्से में। अब सहाबी किसको बता रहे हैं ख्वाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वो उसके साथ मुकाबला करना शुरू हो गया, मेरे साथी ने उसको भुझाड़ दिया, तो उसने बोला अच्छा यार मुझे छोड़ दो मैं आइंदा तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, जैसे ही वो उठा उसने दोबारा उस पर हमला किया, फिर उसने उसको भुझाड़ दिया हालांकि वो उससे ताकत में बहुत ज़्यादा था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराते जा रहे हैं, उसके ख्वाब सुनते जा रहे हैं, तीसरी बार फिर आपने फरमाया तो जब वो मेरा साथी उसके सीने पर सवार हो गया तो उसने कहा अगर सूरह बकरा पढ़ ली जाए जिस घर में तो वहाँ मैं नहीं आऊँगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम जानते हो वो कौन था, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लम वो तुम्हारा साथी तुम जानते हो कौन था, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लम वादिया नहीं, आपने फरमाया वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उमर का रास्ता काट देता है शैतान, जहाँ से उमर गुजरता है तो शैतान वहाँ से गुजरना छोड़ देता है, आज तक शैतान गालियाँ दे रहे हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। याद रखना उमर रज़ी अल्लाह ताला की हस्ती वो है कि 24 मशवरे अल्लाह ने 24 कुरान में जो नबी ने नबी को मशवरे दिए उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये सही है,
जाओ पढ़ के देखो कुरान। अल्लाह तबारक ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों से खैरें हमारे अमाल की वजह से दूर हो सकती हैं और खैर हमारे अमाल की वजह से आ सकती है, क्योंकि अल्लाह ने तो रास्ते दोनों ब्लैक एंड वाइट, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इससे दुनिया चलेगी, जब खैर दुनिया से ख़त्म हो जाएगी क़यामत आ जाएगी, जब शर दुनिया से ख़त्म हो जाएगा क़यामत आ जाएगी। दुनिया चलती खैर और शर के साथ है, और फिर शर से बचने के तरीके हमें कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत जिसको अल्लाह ने अथार्ड किया उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लाह ने उस किताब में जो अल्लाह ने किताब भेजी फरमाया जो ये कहता है वो मेरी बात कहता है। वमें युति रसूल फ़कद अता अल्लाह, जिसने नबी की अतात की फ़कत उसने मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते जो कहते हैं। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये है नबी की शान। और नबी के तरीके पर आओ तुम्हें अल्लाह ये जो ज़िल्लत रसवाइयाँ, कहीं कोई नाच के अपनी बीमारियाँ दूर कर रहा है वो बुम बुम करके, वो डुम डुम करके, हैं जी आप देखिए। मैं कहता हूँ ये सोशल मीडिया पर अगर सही काम देखा जाए तो असल में इनकी करतूतें जो ज़ाहिर हुई हैं ना अंदर की, कि क्या क्या होता था। हम तो जाते नहीं थे इन जगहों पर, तो हमें पता वहाँ लोग औरतें नाचती हैं वहाँ पर धमाल के नाम पर, औरतें बाल खुले हुए, जिस्म उनका सारा थरथरा नज़र आ रहा है, वहाँ डांस हो रहा है, हैं मर्द औरतें एक मिले हुए हैं। इस्लाम में ये कहाँ है, ऐसा तो हिंदुओं में भी नहीं है। वो भी अगर कोई डांस करने वाली, उसको बड़ा मुकद्दस डांस सिखाया जाएगा, उसको वो दासी के पता नहीं क्या बोलते हैं। यहाँ तो हर खास व आम जो किसी को देखता है वो नाचना शुरू कर देता है। एक किसी ने भेजी मुझे, उसने बोला वो कुआल कहता है बाबा जी कहते हैं जरा तुम हाल ना पावे, फिर गाली देता है, वो काट देते आगे से, है ना है? ये क्या है यार, बाबा जी कहते बाबे अपनी होश कोई नहीं, लोगों चाया टंगा उस मुड़ियाँ पईया जुआ उसा पईया इंजन लोग चुकते पे ना उसके नाल धमाल उसनू भी पाते पे इंजन, पता नहीं कितनी उसकी उम्र है, क्या वो है बदबू उससे आ रही होगी ना, उसने कपड़े चेंज किए हुए नहीं जी, मजदूब है ये पहुँचे हुए। अल्लाह अकबर कबीरा, पहुँचे हुए कहाँ पहुँचे हुए हमें पता ही कोई नहीं। सफाई निसफ ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम भी जब अल्लाह के हाँ आते हैं, जब नमाज के लिए आते हैं वुजू करते थे नहीं, आप सत्सम करते थे कि नहीं वुजू, हाँ जी, तो ये पानी को ज़िंदगी में हाथ ही नहीं लगाया, ये सरकार बन गई अल्लाह के करीब पहुँच गए। सफाई निसफ ईमान है हमारे इस्लाम के। वो कहता है बाबा जी, बाबा जी कहते हैं जरा धमाल ना पावे, उसकी माँ को गाली दे रहा है, बहन को गाली दे रहा है, वो आगे से टू करके वो बंद कर देते हैं ना, ये हो रहा है, गंदी गाली दे रहा है, बाबा जी गाली दे रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है? आपने मुनाफिक की निशानियाँ क्या बताई हैं? जब बात करता है झूठ बोलता है। मुनाफिक की निशानी पता क्या है? मुझे और आपको देखना है आज ये बात सुनकर कि मुनाफिक की निशानी पक्की निशानी, और याद रखना ना काफर का ना मुलहद का ना मुशरिक का सबसे बदतरीन दर्जा दोज़ख के अंदर है वो मुनाफिक का है। उसका नाम है जबले हुजन। आप समझ फरमाया 70 बार दोज़ख भी उससे पनाह मांगती है। वो ऐसा ज़बरदस्त इतना अज़ियतनाक वो जबले हुजन जिसका नाम ही गमों का पहाड़ है वो मुनाफिक के लिए है। अल्लाह हमें महफूज रखे। मुनाफिक की निशानी जब बात करता है झूठ बोलता है, वादा करता है वादा की खिलाफी करता है, जब उसको इमानत दी जाती है खयानत करता है, और जब अल्लाह ना करे कि किसी से बात करता है तो गाली देता है। ये मुनाफिक की निशानी। अब मुझे और आपको देखना है कि कहीं मेरे अंदर ये बातें तो नहीं हैं। है? हमने तो आज तो मोबाइलों पर झूठ लगाया हुआ है ना, मोबाइलों की वजह से हम झूठ, ये मेरे दिल में डलेगा ना कि काम कोई कर रहा है, उन्हें मैं पहुँचा मस्जिद में बैठा, इधर पिंडी में बैठा इस्लामाबाद में, अभी सलाम फिरी तो कह रहा है ए मैं दीने बस पहुँचना, तू खा लू थे कितने दीना कितने इस्लामाबाद, मैं उन्हें पहुँच रहा हूँ, बेचारा आइएगा, वो आएगा खड़ा होकर चला जाएगा, फिर कहेगा यार तेन मैं क्या सी 2 मिनट इंतजार ही कर सकना, गया नहीं है उल्टा और झाड़ पा देगा, तो क्या ये लिखा नहीं जा रहा है? ये झूठ नहीं है तो झूठे पर कौन लानत देता है? खुद कहता है ना अल्लाह लानत, सजा तो कोई नहीं रखी ना,
جھوٹے پر لعنت ہے نا, تو لعنت سب سے بڑی سزا ہے. شیطان کو سب سے بڑی سزا کون سی ملی؟ اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, تجھ پر لعنت قیامت والے دن تک میری, اللہ کی لعنت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ لعنت کرے کسی پر تو پھر گندگی کے کیڑے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں, چھپکلیاں اور لال بیگ بھی لعنت کرتے ہیں. تو اللہ محفوظ رکھے, جھوٹ کو جھوٹ سمجھو, گناہ سمجھو, جب اس کو چھوڑ دو گے بربادی تمہاری, نسلوں کی بربادی ہو جائے گی. جب تم جھوٹ بولنا شروع کرو پھر اللہ کے ہاں, ایک آدمی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب آدمی جھوٹ بولتا ہے بولتے بولتے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کذاب, پھر اس کی تلافی شافی کوئی نہیں. ایک آدمی سچ بولتا ہے, بولتا بولتا یہاں اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے. تو ان کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ صدیقوں کا درجہ نبیوں کے بعد کن کا درجہ ہے؟ صدیقوں کا, اور اس کے بعد ہے شہیدوں کا. تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الكذب وعینی من الخیانة فإنک تعلم خائنات العیون وما فی الصدور. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے, اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے, اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے, اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے, اے اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو تو جانتا ہے کہ میں کس انداز سے کس لیے کس کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ہمیں محفوظ رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک.